जय मसीह की दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 77वां अध्याय और उसका पहला पद। वचन कहता है, मैं ऊंचे स्वर से परमेश्वर की दुहाई दूंगा, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की दुहाई और वो मेरी सुन लेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अद्भुत विश्वास, ये प्यार जिस भाई जिस बहन के जहन में मन में होता है, वो हमेशा इसी विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना की शुरुआत करता है कि मैं जब दुहाई दूंगा, मैं जब परमेश्वर को बुलाऊंगा, जब मैं परमेश्वर को आवाज़ दूंगा, जब मैं परमेश्वर की ओर निहारूंगा, जब मैं परमेश्वर को खोजूंगा, तो वो मुझे मिलेगा, वो मेरी सुन लेगा। हालेलुया। लेकिन ऊंचा स्वर क्यों? ऊंचा स्वर हर स्वर को खत्म करने के लिए है। हमारे मन से एक अजीब सा स्वर निकलता है जो हमें विचलित करता है, हमारी भावनाएं हमें विचलित करती हैं, हमारे रिश्ते हमें विचलित करते हैं, हमारी दृष्टि हमें विचलित करती है, हमारे कान हमें विचलित करते हैं। लेकिन जब हम ऊंचे स्वर से परमेश्वर को पुकारते हैं, ऊंचे स्वर से जब परमेश्वर की दुहाई करते हैं, तो सारे शब्द, सारी भावनाएं, सारे विचार दब जाते हैं उस ऊंचे स्वर के सामने, और वह ऊंचा स्वर पिता के समक्ष पहुंचता है। वो ऊंचा स्वर पिता को बताता है कि उसका पुत्र, उसकी पुत्री उसे बुला रही है। वो ऊंचा स्वर परमेश्वर से उसका संबंध और भी गाढ़ा कर देता है। इसलिए विश्वास के संग भजनकार कहता है कि मैं ऊंचे स्वर से परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वो मेरी सुन लेगा, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 91:14-15 कि जो मुझे पुकारेगा मन से, जो मुझे पुकारेगा दिल से, जो मुझे पुकारेगा विश्वास से, मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसकी सुनूंगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी मेरा बच्चा मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का अभिषेक हमें यह बताता है मेरे भाई कि हर पल वो हमें सुनने के लिए तैयार है, हर पल उसके कान हमारी तरफ लगे हैं, बस हम उसे पुकारें, उसे पुकारें, और हमारी पुकार में पवित्रता हो, हमारी पुकार में समर्थन हो, हमारी पुकार में समर्पण हो, हमारी पुकार में एक ही आवाज हो, एक ही शब्द हो, एक ही नाम हो, और वो नाम हो यीशु मसीहा का। हालेलुया। वो नाम अद्भुत है, वो नाम पवित्र है, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम जिसके नीचे हर कोई नाम है, वो नाम जो पिता परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती पर श्रेष्ठ किया है, वो नाम जो परमेश्वर का जीवन हमें देता है, वो नाम जो हमें ज्योति देता है, वो नाम जो हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में प्रवेश करवाता है, वो नाम जो हमें शांति देता है, वो नाम जो हमें सुरक्षा देता है, वो नाम जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है, वो नाम है यीशु मसीह। और जब हम ऊंचे स्वर में परमेश्वर को बुलाते हैं, जब हम ऊंचे स्वर में परमेश्वर का नाम लेते हैं, जब हम ऊंचे स्वर में उसको बताते हैं कि हम तेरे हैं प्रभु, और कोई हम किसी के नहीं है, हमारा तन मन धन हमारा सब कुछ तेरा है परमेश्वर, और हम तेरे ही चरणों में समर्पित हैं, हम तेरे ही आदेश के अनुसार चलना चाहते हैं, हम तेरी ही आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, तब वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो परमेश्वर जो आपके अंदर रहता है, वो परमेश्वर जिसने आपको मंदिर बनाया है, वो परमेश्वर जिसने अपना सामर्थ्य आपको दिया है, वो परमेश्वर जिसने अपनी आत्मा आपको दी है, उसी पल आपको थामता है, आपका बोझ अपने ऊपर ले लेता है, और अपना विश्राम दे देता है, अपनी शांति आपको देता है, और आपके आंसू जो प्रार्थना में बहते हैं, वो आंसू एक शांति लेकर आपके मन को संतुष्ट करते हैं, वो आंसू एक आशीष लेकर एक गवाही के रूप में आपके आंखों से निकलते हैं, और वो गवाही क्या कहती है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर की शांति हमारे साथ है, परमेश्वर की कृपा हमारे साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, परमेश्वर ने हमारा हाथ थामा हुआ है, और ना कभी छोड़ने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, जब भी हम उसे पुकारें, ऊंचे स्वर से पुकारें, पवित्रता के साथ पुकारें, बिना डर के पुकारें, क्योंकि हमारी पुकार में पवित्रता, हमारी पुकार में
हमारी पुकार में आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारी पुकार में विश्वास होना चाहिए। जब हम उसे पुकारें तो वह हमारी दुहाई देगा, ऐसा विश्वास हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। आइए दोस्तों, आज की सुबह अद्भुत है, परमेश्वर का नाम अद्भुत है। आइए हम उसके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं और उसे बताते हैं कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। हमारे जीवन में उसके बिना कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई रिश्ता हमारे जीवन में उसके सामने सारे रिश्ते फीके हैं, सिर्फ वही रिश्ता सबसे ऊपर है, मेरा और मेरे पिता का रिश्ता, मेरे और मेरे यीशु का रिश्ता, मेरे और उसकी आत्मा का रिश्ता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन।